नमस्ते आप सभी को एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को ले चलूंगी रेणुका मंदिर, जो हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में स्थित है। मैंने अपना सफ़र शिमला से शुरू किया। शिमला से सोलन पहुंचेंगे और सोलन से वाया कुमारहट्टी होते हुए नाहन और फिर हम रेणुका जी जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी। अच्छा, एक बात तो बताना ही भूल गई। आप सोच रहे होगे कि मैंने शुरू में कहा कि मैं तो रेणुका मंदिर जा रही हूँ, फिर नाहन होते हुए मैं क्यों जाऊँगी। तो दरअसल एक छोटा सा इवेंट है जो मुझे नाहन में अटेंड करना है, उसके बाद वहाँ से फ्री होके हम रेणुका जी जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में और चलिए चलते हैं साथ साथ नाहन और फिर रेणुका मंदिर। शिमला से मैंने अपना सफ़र सवेरे 7 बजे शुरू किया, क्योंकि सफ़र लंबा भी था, लगभग 4.5 घंटे की जर्नी थी और हमें वापस भी लौटना था। इसीलिए हमने सोचा सुबह जितना जल्दी हम जाएंगे और तभी हम घूम पाएंगे और तभी मैं आपको भी जगह दिखा पाऊंगी, और इसलिए हमने अर्ली मॉर्निंग निकलने का फ़ैसला किया। तो हम रुके परांठा खाने चाचू दा ढाबा में, जो कि बहुत ही फेमस ढाबा है बड़ोग में, क्योंकि हम सब ने किसी ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो हमने सोचा क्यों ना चाचू दा ढाबा में ही ब्रेकफास्ट किया जाए। ये कुछ स्पेशल परांठाज है चाचू दा ढाबा के, तो हमने भी इसी में से कुछ चूज़ किया और बताना चाहूँगी कि बहुत ही लाजवाब परांठा था। ब्रेकफास्ट करके अब हम निकल पड़े हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो हमने डिसाइड किया है कि अब हम नॉन स्टॉप चलेंगे ताकि हम टाइम से पहुँच सकें। तो मिलते हैं नाहन में। सो फाइनली हम नाहन पहुंच गए हैं और यहाँ पे कर ली है हमने अपनी गाड़ी पार्क, और हमें मिले हैं और भी लोग जो इवेंट अटेंड करने आए हैं। तो हम सब जा रहे हैं अब इवेंट अटेंड करने के बाद आपसे मिलते हैं।
हम जैसे ही इवेंट अटेंड करके फ्री हुए, हमने बिल्कुल भी देरी नहीं की और हम निकल चुके हैं रेणुका मंदिर के लिए। तो चलिए चलते हैं रेणुका मंदिर के सफ़र पे और फिर मैं आपको बताऊंगी रेणुका मंदिर का इतिहास और उससे जुड़ी कुछ कहानियाँ। रेणुका जी नाहन से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो लगभग एक घंटे का सफ़र और रहता है रेणुका जी पहुँचने के लिए। तो फाइनली हम रेणुका मंदिर पहुंच गए हैं, तो अब चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं रेणुका मंदिर का इतिहास और उससे जुड़ी अनेक कहानियाँ। रेणुका मंदिर भारत देश का सबसे सुंदर एवं चमत्कारी मंदिर है। देश विदेशों से पर्यटक हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। हमने इस दुकान से प्रसाद लिया और चल पड़े मंदिर की तरफ, और यहाँ बाईं तरफ हमें दिखा राम बावड़ी जो कि पीने का शुद्ध पानी है। यहाँ हर एक पर्यटक रुकता है और या तो पानी पी के जाता है या अपने साथ बोतल में भर के ले जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी आप इधर आए तो ज़रूर शुद्ध पानी राम बावड़ी का अवश्य लें। आइए जानते हैं कि रेणुका झील कैसे बनी। इसकी धार्मिक महत्वता के पीछे कई मशहूर दंत कथाएं प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार कहा जाता है कि बहुत समय पहले यहाँ राजा रेणु रहा करते थे। उनकी दो सुंदर पुत्रियाँ थीं, जिनमें से एक का नाम नैनुका और दूसरी पुत्री का नाम रेणुका था। एक बार राजा रेणु ने अपनी दोनों पुत्रियों से एक प्रश्न किया और उसका जवाब पूछा कि आप किसका दिया खाती हैं, जिसका जवाब नैनुका ने दिया कि वह अपने पिता का दिया खाती है। नैनुका का जवाब सुनकर राजा रेणु बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रश्न का उत्तर उनकी दूसरी बेटी रेणुका ने दिया कि वह भगवान का दिया खाती है और अपने नसीब का खाती है। रेणुका का जवाब सुनकर राजा रेणु अप्रसन्न हो गए और उन्होंने रेणुका को सबक सिखाने का निर्णय लिया। कुछ समय के बाद राजा रेणु ने अपनी बड़ी बेटी नैनुका का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ एक पराक्रमी राजा सहस्त्रबाहु से किया, और छोटी पुत्री को सबक देने के लिए उन्होंने उनका विवाह एक तपस्वी ऋषि जमदाग्नि से कर दिया। हालांकि रेणुका राजश्री ठाटबाट में पली बड़ी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऋषि जमदाग्नि को अपना पति स्वीकार किया और उनकी सेवा की। माना जाता है कि भगवान परशुराम
के पिता महर्षि जमदाग्नि के पास कामधेनु नामक एक अद्भुत चमत्कारी गाय थी जो हर इच्छा पूरी करती थी। राजा सहस्त्रबाहु को जब इस बात का पता चला तो वह गाय लेने चला गया और उसने महर्षि जमदाग्नि से बलपूर्वक गाय छीन ली। भगवान परशुराम को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने राजा सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। इसके बाद सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने भगवान परशुराम जी के पिता महर्षि जमदाग्नि के आश्रम पर हमला किया और उनका सर धड़ से अलग कर दिया। उस वक्त माता रेणुका पानी लेने के लिए बावड़ी के पास गई हुई थी। आश्रम लौटने पर जब माता रेणुका ने अपने पति का सर धड़ से अलग देखा तो उनसे सहन नहीं हो पाया और अपने बेटे परशुराम को बार बार पुकारने के बाद माँ रेणुका राम बावड़ी में कूद गई। भगवान परशुराम उस समय महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन थे। माँ की पुकार का एहसास होते ही उनकी तपस्या भंग हो गई और वह दौड़े चले आ गए। जल समाधि ले चुकी माँ को उन्होंने पानी से बाहर आने को कहा। माँ रेणुका ने दर्शन दिए और उन्होंने परशुराम को सारी बात बताई और इसके बाद माँ रेणुका ने जल समाधि से बाहर आने के लिए मना कर दिया, लेकिन अपने बेटे परशुराम के आग्रह पर साल में उसने एक बार मिलने का वचन भी दिया। इसके बाद भगवान परशुराम ने सहस्त्रबाहु के पुत्रों का भी वध कर दिया। हर साल जब रेणुका माता अपने बेटे परशुराम से मिलने आती है, इस उपलक्ष पर हर साल रेणुका मेला मनाया जाता है। और दूसरी दंतकथा क्या कहती है यहाँ मैं आपको झील के पास जाकर बताऊंगी, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। रेणुका मंदिर के बिल्कुल पीछे एक छोटा सा चिड़ियाघर भी है। Thank you.
तो दोस्तों, दूसरी दंत कथा यह कहती है कि एक दिन राजा शस्त्रबाहु की दृष्टि रेणुका पर पड़ी तो उसे वह देखती ही रह गया और उसने उसी समय रेणुका को अपनी रानी बनाने का फैसला किया। शस्त्रबाहु रेणुका को पाने के लिए षड्यंत्र रचने लगा। एक दिन चुपचाप वह ऋषि जमदाग्नि के आश्रम पहुंच गया और ध्यान मगन जमदाग्नि को उसने अपने बाण से मार डाला। उसके बाद वह रेणुका का चीरहरण करने के लिए उसकी ओर बढ़ा। रेणुका शस्त्रबाहु के अपवित्र इरादों को भांप गई और नीचे तलहटी में जा पहुंची। शस्त्रबाहु रेणुका का पीछा करते उसके पीछे दौड़ा। इससे पहले वह रेणुका को पकड़ पाता, एकाएक धरती फटी और देखते ही देखते रेणुका उसमें समा गई। रेणुका के धरा में समाते ही पानी की धाराएं फूट पड़ी और साथ ही साथ उस स्थान ने एक झील का रूप धारण कर लिया। तभी से ये झील रेणुका झील के नाम से प्रसिद्ध है। रेणुका झील लगभग 3 किलोमीटर लंबी और 0.5 किलोमीटर चौड़ी है। रेणुका झील की तस्वीर अगर आप इंटरनेट पर देखते हैं तो ये झील दिखने में लेटी हुई स्त्री के देह के समान है, जो इसे अद्भुत और अनोखा बनाती है। झील के पानी में अटखेलियां करती मछलियां बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो यहाँ ख़त्म होता है मेरा रेणुका जी का सफ़र। इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपसे साझा रेणुका जी का इतिहास और उससे जुड़ी कई मशहूर दंत कथाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में।